महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस मां के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह मां ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहां हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई, अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है, देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए।